दमदमा के गांव में 6 फरवरी की रात को मजदूर के सिर पर वार कर हत्या की गई थी। यह ब्लाइंड मर्डर था। इस मामले को सुलझाने के लिए डीएसपी इलाहाबाद रानिया थाना प्रभारी करीवाला चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने गुरुवार को दो आरोपियों को काबू कर लिया। दोनों आरोपी मजदूरी का कार्य करते हैं। हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। हत्या के पीछे कारण विवाह समारोह में मामूली विवाद होना बताया गया है। ये हमारे डीएसपी एलनाबाद, एसएचओ रानिया और उनकी टीम और साथ में जो चौकी इंचार्ज है, उन्होंने मिलके जो मुकदमा नंबर 70 था, जो 6 और 7 की रात को एक मर्डर हुआ था दमदमा में, तो उसी में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो मृतक था उसका नाम बलवीर सिंह था, सन ऑफ बग्गा, जो रहने वाला दमदमा का था। और जो आरोपी हैं वो एक आकाशदीप है और राहुल है, जो दोनों दमदमा के हैं। और राहुल अभी जो है पंजाब का रहवासी है। तो 6 तारीख को एक शादी में इनकी कहा सुनी हुई थी, आकाश की और मृतक बलबीर सिंह की। उसी को लेके कुछ मन में इनके जो भी रंजिश थी, तो रात को जो मोटरसाइकिल होती है उसकी गरारी में एक हैंडल लगा हुआ हथियार सा था, उससे उसके सिर पे मार के जो है उसकी हत्या की गई है। ये इनकी जो भी आपसी रंजिश थी, जो कहा सुनी हुई थी, तो बाकी ये लोग साथ में रहते थे। अब पुरानी भी अगर कोई इसमें दुश्मनी थी, तो वो जैसे भी हमारी जांच होगी उसमें क्लियर हो पाएगा। ये सारे मजदूरी का काम करते हैं। नहीं, वो अभी रिकवर होगा जब हम अभी रिमांड में लेंगे पुलिस। कुछ नहीं, ये मजदूरी करते थे और बाकी अभी तक कोई पिछला अपराध का पता नहीं चला है, तो जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें क्लियर होगा।